अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ मुझे सुनने वाले और मेरी वीडियोस को देखने वाले सब ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ये लें जनाब, एक दिन पहले यहाँ पे हुआ था मेला और मेले के बाद थी छुट्टी। तो मेरे मियाँ जी का हुआ कि ना चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। तो ये वही जगह है जहाँ पे कल ना मेला हो रहा था, सारा सेटअप किया हुआ था। आज देख सारा का सारा क्लीन किया हुआ है। तो इधर ना सिटी सेंटर की बड़ी चंगी जाए दुकान ना कॉफ़ी दी। मैं बड़े पैक हुआ कि मैं उठा ही कॉफ़ी पीसा। तब मैं बालें शाले को रेडी कर को लो, आप ही तैयार शर्ती को लो आगे से कॉफ़ी पीवाने वास्ते। और ये जगह ना काफ़ी प्यारी है ना अंदर से इसके शॉप, हर दफ़ा इनका डिफरेंट सेटअप होता है। तो मैंने ना कैमरे को घुमा घुमा के मैंने आपको दिखाती हूँ। और इसका जो छत थी ना काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो ये देखो नाल मेरे पुत्र को इन हालात हेठ सुरु बांधना नहीं, यहाँ के टेबल तो जुड़ बासा तो सा नाल शहीं भी जा बांधा। फिर मैं क्या अच्छा ठीक है, मैं तो चुप की थी, बैठा रहा तू मेरे को तंग ना कर। और उसकी बहन साथ में कार्टून देख रही है। और ये देखें हमारी आगे कॉफ़ी और उसके साथ फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट बहुत ही मज़े का होता है, बहुत टोटली डिफरेंट टेस्ट होता है। और उसके साथ देखिए उनैसा के ड्रामे, अपना खाना भी खा रही है और इसको पता लगे मम्मा वीडियो बना रही है तो शक्लें भी बनाने लग गई। तो ये खा पी के हम लोग वापस घर की तरफ आ गए। नेक्स्ट डे ऐसे हुआ ना, मौसम काफ़ी अच्छा था। सुबह सवेरे जो उठे ना तो धूप निकथी खड़ी है। सारा फिर प्लान बढ़े कि बाहर हो वेने हैं, बाहर हो वन को लोग खाउन पीवन की कशे भी मिलती नहीं है। सके वन को ना बारबेक्यू करें तो उन्हें वास्ते को ही बेस्ट ऑप्शन है। सारे घर को ना 3 मिनट ड्राइव थे है कूरा चेस पार्क। तो हम लोग ना रेडी शेडी होके चले गए और किसी के पास गोश्त पड़ा हुआ नहीं था क्योंकि बारबेक्यू जो करना था गोश्त तो चाहिए था। तो हमने कहा बस रेडीमेड मैरिनेटेड गोश्त लेते हैं, क्या अब मैरिनेट करना है। तो वहीं से गोश्त उठाया, नान लिए और चाय के लिए जो चीज़ें लेनी थी वो उठाई। तो हम लोग सब निकल पड़े बारबेक्यू करने के लिए। चार फैमिलीज थी, हम लोग सारे रवाना हो गए और एक फैमिली के पेरेंट्स भी आए थे वो भी हमारे साथ थे। तो हम लोग चले गए बारबेक्यू करने के लिए। ये देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है और ये जगह भी बहुत प्यारी है। और ये मज़े की बात है यहाँ पे पार्क भी है पास, और पार्क बच्चे भी खेल रहे होते हैं। और मैं चल के इस मैडम से बातें करती हूँ। ओह माय गॉडनेस, आर यू ओके नाउ एंड वेयर इज नेसा? अच्छा गम गम, आइए आगे चलते हैं। और वो उनैसा भी इसी स्लाइड पे है और लगी हुई है। उनैसा की फ्रेंड हानिया इरा सभी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और अच्छा खासा रश था क्योंकि मौसम अच्छा था तो सब लोग निकले हुए थे। और साथ साथ देखें बारबेक्यू हर जगह पे इनके पॉइंट्स बने हुए, यही जगह है जहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हो, बाकी जगहों पे अलाउ नहीं है। तुम वो जहां कहीं भी आओ पास ताके आंसू मेरे। और ये देखें उनैसा स्लाइड कर रही है। Are you okay? बच्ची फिर से गिर गई। और ये देखें बारबेक्यू स्टार्ट हो गया है, मर्द हजरात बारबेक्यू कर रहे हैं। बारबेक्यू का यही मज़ा होता है ना कि मर्द ही सारा कुछ करते हैं, हम जो औरतें होती हैं ना वो बैठ के खा रही होती है। तो हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि मौसम अच्छा है बस बारबेक्यू करते हैं, किसी के घर नहीं जाना। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ सारा कुछ, ये बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही पुरसकून। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे थोड़ी सी। तू है ऐसा को आदे है ना कच्चा कचूच सावा है, कच्चा कचूच वो बहुत आँखी को खीरा करण वास्ते है, बहुत सोने जाहे बहुत ज़्यादा तो सारे दे भी पाए सो। और ये देखे मर्द हजरात लगे हुए हैं अपने काम पे। ये देखें बारबेक्यू हो गया और हम साथ साथ खा रहे थे और नान भी यहीं पे गरम कर रहे थे। नान यहाँ पे गरम करते हुए बहुत ही मज़े के लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। और साथ में रायता भी बना के लाए थे हम औरतें। ये देखें ये फैमिली भी आई हुई है साथ बारबेक्यू कर रही है। और ये मेरे हमाद को देखें, इसको सुकून नहीं है, चलता है नहीं बस यहाँ से वहाँ फिर रहा होता है। और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वाला डब्बा है ना, गर्मी थी ना तो हम ना इसमें ये बड़ा सा बॉक्स लिया और इसमें सारे आइस क्यूब्स डाले और इसमें कोल्ड ड्रिंक्स रख दिए ताकि ठंडी रहे, क्योंकि मौसम गर्म है ना तो ये कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी थी, गर्म थी वैसे। तो उन्हें ये हमाद थे हमाद दोस्त ये बड़े धड़का दें मेरे पुत्र को। हमाद दे ड्रामे देखो, हलवाई पहने के बेनाल। और ये देखें मर्द वहाँ पे हमारे मर्द लगे हुए हैं काम कर रहे हैं। और
ये देखिए चाय, जब बारबेक्यू ख़त्म हो गया हम लोगों ने खा पी लिया, और उसके बाद मर्दों ने चाय भी रख ली, स्टार्ट कर ली, और हमारा भी बैठा हुआ है उधर अपने स्ट्रोलर पे। हम हमारा इरादा हुआ ना थोड़ा सा हम घूम फिर के आते, क्योंकि खा पी लिया था, हमने कहा थोड़ा सा वॉक कर लें, फिर उसके बाद जब आएंगे ना तो चाय पी लेंगे। मैंने कहा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ, आपके साथ शेयर कर लूँगी। वहाँ से चल के हम लोग ऊपर पहाड़ी पे आ गए, थोड़ी सी ऊपर से ऊंचाई बनी हुई है, तो इतना ना एक पुरानी जिम्मे बिल्डिंग बड़ी वाली हो बंद है बिल्कुल भी, इतनी सोहनी लगती है ना, मैं सबको रिकॉर्ड करके दिखे नहीं आना, असा उतर चढ़ते वैसे एक तो खादी वजह से तो मेरा सह चढ़ा वादा है, मैं टुर ना मिल सकती क्योंकि खा पी कलो टुरदे पैस है। ये है शरारती पांडा, ई बाल को आराम कहना ही भजदा वधाई भजदा वधाई, चढ़ता देखो ड्रामे खेलना देखो, बस शरारती ये बाल है। ये बड़ी सोहनी बिल्डिंग है, ये सारी देखो चल जर्दी पी उसी सारी बंद थी खड़ी ने, दरवाजे खिड़कियां कश्चे भी कोई नहीं, पता नहीं क्यों कढ़ देखो बंद चा कितने, लेकिन बहुत सोहनी लगती है वाली बिल्डिंग, तो मैं कि जिन्हें बढ़ाई हो सी उत्तों को इतना सोहना ये मंजर आंदा उसी ना, हेठो सारा हर शहर नजर दी है, ये बाल इतने चढ़े खड़ने सुने वीडियो बड़े ने पैसे, एक भी पास से को लेना व्यू है। इसके पास पास कोई और बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ ये एक अकेली बिल्डिंग बनी हुई थी और वो भी बंद थी। मैं दोनों की रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बता रहे थे ये दरख्त टूटा हुआ है और वो दरख्त है, ये इस तरह से है वो इस तरह से है। ये देखो सारे मॉडल नंबर 1 से 2 आनिया पेन मैडम, मैं कहीं थोड़ी रिकॉर्डिंग ही करा चाह, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है सारा कुछ। और उसके बाद जैसे हम वापसी का रास्ता नापा तो इन लड़कियों को हो गया कि हमने रोल ओवर करना है, तो आलिया भुआलियाँ शुरू थी क्या इन्हें छोड़ी दे, देखो वेंदा देखो ये छोटी छुटकी को दिखा सिर हेठो सटेंदा इवें, ये भी स्टार्ट थी गई है अपना आलियाँ बुआलियाँ करने वास्ते, ये हेठो तक उतने तक पहुँच गए, इनसे सारे सारे जवान हैं असा पीछे वॉक करें उतने तक पहुँच गए हैं। ये देखे जनाब चाय हो गए बन गई है, हम लोग असा ना इधर पवा चावण भूल गए हैं, तो जवान ने क्या कहते कप नाल ही कुपेंदे रह गए हैं, सारे डिस्पोजेबल कप किन गया से, और चिकन भी थोड़ी सी बची हुई हो। अगर आपको आज वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।